भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्ता का दर्शन कुछ दिन पहले ही आपने भगवान भोले की वाराणसी में की। दूसरी ओर हैदराबाद में भी एक रामानुजाचार्य का भव्य स्वर्ण मंडित स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी बनकर तैयार है। जिसका फरवरी में लोकार्पण होना है। इसके साथ ही अब खबर ये है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। ये काल भारत का सांस्कृतिक उदय काल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये भव्य प्रतिमा ही स्थापित नहीं हो रही है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर की धरती इतिहास रचने को तैयार है। यहाँ अष्ट धातु से बनी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा न सिर्फ शहर का मान बढ़ाएगी, बल्कि यहाँ बनने जा रहा अद्वैत वेदांत संस्थान विश्व को भारत की सनातन संस्कृति के असल दर्शन कराएगा। पहले ये जान लीजिए कि शंकराचार्य की प्रतिमा कैसी होगी। 108 फीट ऊंची अष्टधातु की यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति को स्टेच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकता की मूर्ति नाम दिया गया है। इसके लिए पहले एक 27 फीट ऊंचा बेस तैयार किया जाएगा जो कमल के फूल के आकार का होगा। समुद्र तल से इस मूर्ति की ऊंचाई 280 मीटर यानी कि 918 फीट होगी। अब ये भी जान लीजिए कि इस मूर्ति के साथ यहाँ और क्या क्या बन रहा है। दरअसल शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के सुझावों पर मध्य प्रदेश की सरकार ओंकारेश्वर में इस भव्य और दिव्य प्रकल्प पर काम कर रही है। इस प्रकल्प में शंकराचार्य की मूर्ति के साथ ही संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के निर्माण की योजना है। ओंकारेश्वर को शंकराचार्य की ज्ञान भूमि भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ अद्वैत वेदांत के एक वैश्विक केंद्र को तैयार किया जा रहा है। इस भव्य प्रकल्प के लिए 58.30 हेक्टेयर यानी कि 143.21 एकड़ जमीन भी मुहैया कराई गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र, संदर्भ केंद्र और समन्वय केंद्र बनाए जाएंगे। इस संस्थान के अंतर्गत 7 केंद्र यानी कि गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे, जिन केंद्रों का मुख्य द्वार जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार जैसा ही तैयार किया जा रहा है। बाकी केंद्रों के द्वार पूर्वी भारत के वास्तुविद कलात्मक शैली के अनुसार बने। इन 7 केंद्रों में आचार्य हस्तामलक अद्वैत विज्ञान केंद्र, आचार्य सुरेश्वर अद्वैत सामाजिक विज्ञान केंद्र, आचार्य तोटक अद्वैत संगीत एवं कला केंद्र, महर्षि वेदव्यास अद्वैत ग्रंथालय, आचार्य गौड़पाद अद्वैत विस्तार केंद्र और आचार्य गोविंद भगवतपाद अद्वैत गुरुकुलम शामिल है। इनमें अलग अलग मठ और पीठ की विभिन्न रूपों में झलक भी देखने को मिलेगी। ये स्थान आचार्य शंकर के संपूर्ण जीवन दर्शन से विश्व को अवगत कराएगा। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की अभिव्यक्ति, आने वाली पीढ़ी के चरित्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, मठान्मनाय परंपरा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के विकास के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण स्थल तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत करीब 2,000 करोड़ रुपए आएगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को मैनेजमेंट और निर्माण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अस्थायी प्रदर्शन के लिए एक मॉडल भी तैयार कर रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा प्रेजेंटेशन शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के न्यासी मंडल की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दिया गया। प्रतिमा की स्थापना सहित पूरे प्रकल्प के कार्यान्वयन के लिए वास्तुविद सलाहकारों की नियुक्ति भी हो गई है। स्वाभाविक है कि यह संस्थान भारत के विश्व गुरु बनने और भारत की सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और अलौकिक केंद्र होगा, जिसके दर्शन को दुनिया आएगी और सनातन संस्कृति से
परिचित होगी।